नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइंस। और इस प्रोग्राम का नाम हमने 8 सिविल लाइंस क्यों रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है यही वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है, यही वो जगह है जहां राजनीति की ABCD तय होती है और यहीं से तय होता है कि कहां किसको कितना कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको करवाएंगे अपडेट, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो जयपुर स्थित सुबोध स्कूल में मरुधर ओसवाल समाज की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया तो वहीं गहलोत ने समाज के लोगों को सम्मानित भी किया। और इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज होली मिलन के मौके पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मरुधर समाज ने इसकी स्थापना 1970 में की थी। मैंने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1970 से ही की थी और मरुधर ओसवाल समाज जयपुर और मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक साथ हुई। 48 साल का अरसा कम नहीं होता और होली मिलन के मौके पर आप सभी इकट्ठा हुए, मुझे बुलाया। प्रोग्राम तो पूरे देश और प्रदेश में चलते ही रहते हैं लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां अपनापन होता है। जोधपुर की अपनायत तो देश में पूरे प्रदेश में विशेष स्थान रखती है। जोधपुर की बोली, जोधपुर का खान पान, जोधपुर के रिश्ते बिल्कुल अलग तरीके से हैं। और कल यहाँ राजस्थान दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम था, गहलोत ने कहा कि जोधपुर वासियों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके कारण मैं जयपुर में आकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, ये सब जोधपुर वासियों के कारण संभव हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं होली मिलन के अवसर पर आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मरुधर समाज आपने जब स्थापना की थी उसमें लिखा हुआ था 1970, तो मैं हिसाब लगा रहा था कि मैंने भी मेरी राजनीतिक जीवन की पारी 1970 से शुरू की थी। तो मरुधर ओसवाल समाज जयपुर और मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक साथ हुई। 48 साल का अर्थ कम नहीं होता है। और होली मिलन के अवसर पर आप सब इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया। प्रोग्राम तो पूरे प्रदेश में और देश में चलते रहते हैं, तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ अपनायत होती है। अपनायत वाले प्रोग्राम में आज आया हूँ। जोधपुर की अपनायत तो पूरे देश में और विदेशों में पदम सा जानते हैं कि बहुत बड़ी अपना अलग स्थान लगती है। जोधपुर की बोली, जोधपुर का खान पान, जोधपुर के रिश्ते वो बिल्कुल ही अलग तरह से हैं। इसलिए कहावत है कि कोई आदमी को अगर आप ट्रांसफर कर दो जोधपुर से तो जब तक किला उसको नहीं दिखता जोधपुर, जब तक उसको खाना नहीं पाता, इस कारण से उसको वापस जोधपुर करना ही पड़ता हम लोगों को। जोधपुर तो जोधपुर ही है और आप यहाँ आकर के इतना नाम रोशन कर रहे हो। 48 साल से आपने मरुधर ओसवाल समाज के नाम से आपस में आप मिलते जुलते भी हैं और अपने एक दूसरे से शुद्ध विश्वास देते हैं। और मुझे भी आप जानते हैं कि जब मैं जोधपुर का हूँ तो जोधपुर वासियों ने मुझे, ये आप सब शामिल हैं जोधपुर में, आपसे जो रिश्तेदार हैं मिलने वाले हैं। आज मैंने कल यहाँ एक प्रोग्राम था राजस्थान दिवस के अवसर पर, मैंने वहाँ कहा कि जोधपुर वासियों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, उनके कारण से मैं जयपुर में आकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना वो सब जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। और प्रथम सेवक के रूप में मैं राजस्थान भर में जो काम कर रहा हूँ वो सब आपके शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे साथ में से कर रहा हूँ। और मेरे दिल में हमेशा ही बात रही, चुनाव जीतने के बाद 80 में मैं चुनाव जीता पार्लियामेंट का, 5 बार मैं पार्लियामेंट मेंबर रहा,
तीन बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिंह राव जी के साथ। तीन बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा राजस्थान, दो बार मैं रहा महामंत्री AICC का, और तीसरी बार बना हूँ मुख्यमंत्री। सब जोधपुर वालों की कृपा का परिणाम ही है। मैं खुद बचपन में वर्धमान जैन पार्षद में पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी तक, तो नमो नाम से लगा कर मोजूरी के संस्कार में चल गया। तो लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, इतने कहूँगा कि जो भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे, सत्य जो अहिंसा के परिग्रह के, और गांधी जी ने उन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े थे, तो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज दे दिया कि अहिंसा कितना बड़ा हथियार है। अहिंसा जो हथियार है वो हिंसा सभी मुकाबले कर सकता है। दुनिया में आज गांधी का नाम इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपना करके उन्होंने वो संदेश दिया कि दुनिया लोहा मान रही है। उधर 1 अप्रैल यानी कि कल से सरसों, चना और गेहूं की 8,600 करोड़ से ज्यादा मूल्य की खरीद शुरू हो रही है। किसानों से 29.67 लाख मीट्रिक टन उपज खरीदी जाएगी, जबकि कोटा संभाग में 15 मार्च से ही सरसों और गेहूं की, तो 25 मार्च से चना की खरीद शुरू हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर राज्य सरकार काफी सजग है। मुख्य सचिव ने भी सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को खरीद के दौरान कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज का बेचान करने में कोई परेशानी ना हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के बाद उपज का उठाव समय पर हो, साथ ही परिवहन की पुख्ता व्यवस्था और मॉनिटरिंग के लिए कहा है। निर्देश है कि राजफेड और तिलिम संघ के खरीद केंद्रों पर किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सजग रहने को कहा है। तहसीलदार और पटवारी को हिदायत दी गई है कि किसानों को गिरदावरी की नकल समय पर दी जाए, ताकि वो समय पर अपना पंजीयन करवा सकें। खरीद के दौरान संयुक्त टीमों का गठन किया है, जो सप्ताह में एक बार खरीद व्यवस्था का निरीक्षण करेंगी। साथ ही उपज की रैंडम चेकिंग से क्वालिटी सुनिश्चित होगी। वहीं मंडियों में कृषि सुपरवाइजर भी मौजूद रहेंगे, ताकि समर्थन मूल्य का लाभ पात्र किसानों को मिल सके। इसके लिए सरसों और चने के पंजीयन में बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीकरण होगा। प्रदेश में पहली बार ये तरीका लागू किया गया है। वहीं कृषक ऋण माफी में डेटा अपलोड के साथ आधार से लिंकिंग को भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को समय पर लाभ देने की बात कही गई है। बहरहाल उपज की खरीद के दौरान वीडियोग्राफी और CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 10,000 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरण करने जा रही है। हालांकि कर्ज माफी के इस दौर में अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, इसे लेकर अभी भी संदेह बरकरार है। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से 10,000 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरित करने जा रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि कर्ज माफी के दौर में अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, इसको लेकर अभी संदेह है। राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा है। पहले कर्ज माफी करके किसानों को राहत दी गई, तो अब राज्य के 30 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के आदेश जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश के करीब 30 लाख किसानों को अधिकतम 1 लाख रुपए के हिसाब से ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने आदेश जारी कर कहा है कि इस बार 10 लाख नए किसानों को फसली ऋण दिए जाएं। इसके बाद से ही सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब इस खबर के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो अल्पकालीन फसली ऋण के लिए 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है। नाबार्ड ने अभी सहकारी साख नीति जारी नहीं की है। इसका मतलब है ऋण राशि का नाबार्ड से मिलने वाला करीब 40% पुनर्वित्त यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। कर्ज माफी के चलते 2018-19 में दिए गए 8,000 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। ये राशि कर्ज माफी योजना में माफ कर दी गई है। कर्ज माफी की जो राशि सरकार को केंद्रीय सहकारी बैंकों को देनी थी, वो अभी नहीं दी गई है।
पिछले दो सालों में सहकारी बैंकों का डिपॉजिट भी घटा है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष के लिए फसली ऋण राशि का जुगाड़ सहकारिता विभाग कहां से करेगा, ये किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। अब जरा फसली ऋण वितरण के रजिस्ट्रार नीरज के पवन के आदेश की भाषा देखें तो सब कुछ गोलमोल नजर आता है। रजिस्ट्रार ने पत्र में लिखा है कि सभी बैंकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बाकायदा 7 बिंदुओं का एक परिपत्र जारी किया गया है। बहरहाल सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि फसली ऋण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से होगा, इसे लेकर संदेह है। सहकारी बैंक इतनी राशि देकर रिजर्व बैंक के CRAR के नॉर्म्स में भी पिछड़ जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जितना जनता के लिए सक्रिय रहते हैं, उतना ही वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नजर आते हैं। और आज उन्होंने क्या कुछ ट्वीट्स या फिर फेसबुक पोस्ट किए हैं, आइए अब आपको ये भी दिखा देते हैं। तो आज जो फेसबुक पोस्ट किया गया है उनकी तरफ से, उन्होंने लिखा है कि आज यहां आवास पर आगंतुकों एवं विभिन्न डेलीगेशन से मुलाकात की है और उसकी एक फोटो भी उन्होंने पोस्ट की है। और कितने लाइक्स और रिट्वीट्स इसको मिले हैं वो आपको बता देते हैं। तो 432 कमेंट्स इस पर किए गए हैं और 185 लोगों ने इसे शेयर भी किया है। तो अपने आवास पर लगातार मुलाकात करते रहते हैं आम लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अलग अलग समुदाय से लोग पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और जाहिर तौर पर एक उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब नेता के पास आम लोग पहुंचे विभिन्न समस्याओं को लेकर। और बड़ी ही आत्मीयता के साथ इन सभी लोगों से आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की और ये जो एक साझा तस्वीर थी वो भी पोस्ट की गई। अब बात कर लेते हैं ट्वीट की। तो ट्वीट जो किया गया है वो भी इसी को लेकर आज ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और 139 रिट्वीट किए गए हैं उनके ट्वीट को, जबकि 560 लाइक्स भी मिले हैं। तो फेसबुक के साथ साथ ट्विटर पर भी काफी एक्टिव नजर आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ये उनकी सक्रियता बार बार दिख भी जाती है क्योंकि एक तरफ तो चुनावी मौसम चल रहा है और उसमें काफी प्रेशर भी है उनके ऊपर कि अलग अलग इलाकों में जाना है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी सोशल मीडिया पर भी वो उतने ही एक्टिव नजर आते हैं। और ये ट्विटर हैंडल हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कि आज उनकी तरफ से ये पिक्चर्स पोस्ट की गई हैं जिसमें ये पूरा डेलीगेशन जो है पहुंचा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए, और तमाम सदस्य इस डेलीगेशन के इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हाथ में एक आप देख सकते हैं कि कुछ पर्चे भी हैं जिसके जरिए अपनी मांगों से अवगत करवाया है मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत ने इस समुदाय ने, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया। तो आपको बता दें कि अभी तक तो मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में ही व्यस्त नजर आ रहे थे, लेकिन कल से उनकी एक्टिवनेस और ज्यादा नजर आने वाली है क्योंकि कल से चुनावी प्रचार जो है एक बार फिर से धार पकड़ती हुई नजर आएगी और अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से जनसभाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसी के चलते आपको बता दें कि प्रत्याशियों का ऐलान हालांकि कांग्रेस की तरफ से हो गया है, लेकिन 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जहां तक अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि CEC की बैठक जल्द ही होगी और उसके बाद ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जहां जहां पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ साथ जो डिप्टी CM है सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे लगातार ये पहुंच रहे हैं, एकता का संदेश देकर अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतने बिजी रहने के बावजूद भी अपने आवास पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो आम लोग पहुंच जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए। और आज जब ये पूरा डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा उनके आवास पर, तो उन्होंने बड़ी ही जिस तरीके से हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है कि आम लोगों से बहुत ही एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक उन्हीं के बीच में रहकर जिस तरीके से वो मुलाकात करते हैं वही आज नजारा देखने को मिला एक बार फिर से। और ये देखिए बुके लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और इस डेलीगेशन में बहुत सारे सदस्य मौजूद नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग तस्वीरें हैं, यहाँ 4 तस्वीरें पोस्ट की गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और ये फेसबुक पोस्ट आपको दिखाते हैं। फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने ये कई तस्वीरें डाली हैं जिसको लाइक्स और कमेंट्स भी मिले हैं। 432 कमेंट्स यहाँ किए गए हैं जबकि 185 लोगों ने इसे शेयर भी किया है।
और कौन सा ये फेसबुक पोस्ट किया गया है उनकी तरफ से, तो ड्यूरिंग होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज बाय मरुधर ओसवाल समाज, आज इस कार्यक्रम में भी शिरकत की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसकी तस्वीर भी यहां पोस्ट की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि राजस्थान से किस तरीके से लगातार उनका शुरू से ही जुड़ाव रहा है और राजनीति के साथ साथ जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। और इस पोस्ट को अगर हम देखें तो 203 कॉमेंट्स इसको लेकर किए गए हैं और 138 लोगों ने इसे शेयर भी किया है। तो सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो एक्टिवनेस है वो वक्त वक्त पर नजर आ जाती है और चुनावी मौसम है तो ऐसे में सोशल मीडिया भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमेशा से रहती है पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और इसी वजह से जिस भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो शेयर करना नहीं भूलते हैं। तो ट्विटर पर आज सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किया है और फेसबुक पर क्या पोस्ट किया है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि कल से एक बार फिर से उनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि अलग अलग इलाकों में जाएंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन अपने चुनावी कार्यक्रमों का भी जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं इन फेसबुक पोस्ट के जरिए, ट्वीट्स के जरिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में तो पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और 100 सीटें कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है इतना आसान नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए और इसी वजह से अब और ज्यादा एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।